तेलंगाना को मेरा शत शत प्रणाम। आज मुझे तेलंगाना के विकास को और गति देने का पुनः सौभाग्य मिला। थोड़ी देर पहले ही तेलंगाना आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। यह आधुनिक ट्रेन अब भाग्यलक्ष्मी मंदिर के शहर को भगवान श्री वेंकटेश्वर धाम तिरुपति से जोड़ेगी। यानी एक प्रकार से ये वंदे भारत एक्सप्रेस आस्था, आधुनिकता, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म को कनेक्ट करने वाली है। इसके साथ ही आज यहां 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये तेलंगाना की रेल और रोड कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मैं विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आपको, तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, तेलंगाना को अलग राज्य बने करीब करीब उतना ही समय हुआ है जितने दिन केंद्र में एनडीए की सरकार को हुए हैं। तेलंगाना के निर्माण में, तेलंगाना के गठन में जिन सामान्य नागरिकों ने, यहां की जनता जनार्दन ने योगदान दिया है, मैं आज फिर एक बार कोटि कोटि जनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। तेलंगाना के विकास को लेकर, तेलंगाना के लोगों के विकास को लेकर जो सपना आपने देखा था, तेलंगाना के नागरिकों ने देखा था, उसे पूरा करना केंद्र की एनडीए सरकार अपना कर्तव्य समझती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हमने पूरा प्रयास किया है कि भारत के विकास का जो नया मॉडल बीते 9 वर्षों में विकसित हुआ है, उसका लाभ तेलंगाना को भी ज्यादा से ज्यादा मिले। इसका एक उदाहरण हमारे शहरों का विकास है। बीते 9 वर्षों में हैदराबाद में ही करीब 70 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बनाया गया है। हैदराबाद मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम एमएमटीएस प्रोजेक्ट पर भी इस दौरान तेजी से काम हुआ है। आज भी यहां 13 एमएमटीएस सर्विस शुरू हुई है। एमएमटीएस का तेजी से विस्तार हो, इसके लिए इस वर्ष के केंद्र सरकार के बजट में तेलंगाना के लिए 600 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे हैदराबाद, सिकंदराबाद सहित आसपास के जिलों के लाखों साथियों की सुविधा और बढ़ेगी। इससे नए बिजनेस हब बनेंगे, नए इलाकों में इन्वेस्टमेंट होना शुरू होगा।
साथियों, 100 साल में आई सबसे बड़ी गंभीर महामारी और दो देशों के युद्ध के बीच आज दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में बहुत तेज गति से उतार चढ़ाव हो रहा है। इस अनिश्चितता के बीच भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड निवेश कर रहा है। इस साल के बजट में भी 10 लाख करोड़ रुपए आधुनिक इंफ्रा के लिए अलॉट किए गए हैं। आज का नया भारत, 21वीं सदी का नया भारत तेजी से देश के कोने कोने में मॉडर्न इंफ्रा बना रहा है। तेलंगाना में भी बीते 9 वर्षों में रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई है। अभी अश्विनी जी आंकड़ा दे रहे थे, इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, सभी कुछ रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। आज जिस सिकंदराबाद और महबूबनगर के बीच रेल लाइन की डबलिंग का काम पूरा हुआ है वो इसी का उदाहरण है। इससे हैदराबाद और बेंगलुरु की कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। देश भर के बड़े रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाने का जो अभियान शुरू हुआ है उसका लाभ भी तेलंगाना को मिल रहा है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का विकास भी इसी अभियान का हिस्सा है। साथियों, रेलवे के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना में हाईवे का नेटवर्क भी तेज गति से विकसित किया जा रहा है। आज 4 हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास यहां हुआ है। 2300 करोड़ की लागत से अकलकोट कर्नूल सेक्शन को हो, 1300 करोड़ की लागत से महबूबनगर चिंचोली सेक्शन का काम हो, करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से कलवा कुर्ती कोल्हापुर हाईवे का काम हो, 2700 करोड़ की लागत से खम्मम देवरापल्ली सेक्शन का काम हो, केंद्र सरकार तेलंगाना में आधुनिक नेशनल हाईवे निर्माण के लिए पूरी शक्ति से जुटी है। केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है। साल 2014 में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था तब यहां 2500 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे थे। आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर के 5000 किलोमीटर पहुंच गई। इन वर्षों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना में नेशनल हाईवे बनाने के लिए करीब करीब 35000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इस समय भी तेलंगाना में 60000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसमें गेम चेंजर हैदराबाद रिंग रोड का प्रोजेक्ट भी शामिल है। साथियों, केंद्र सरकार तेलंगाना में इंडस्ट्री और खेती
दोनों के विकास पर बल दे रही है। टेक्सटाइल ऐसा ही उद्योग है जो किसान को भी और मजदूर को भी दोनों को बल देता है। हमारी सरकार ने देश भर में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाना तय किया है। इनमें से 1 मेगा टेक्सटाइल पार्क तेलंगाना में भी बनेगा। इससे युवाओं के लिए नए रोजगार का निर्माण होगा। रोजगार के साथ साथ तेलंगाना में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी केंद्र सरकार बहुत निवेश कर रही है। तेलंगाना को अपना एम्स देने का सौभाग्य हमारी सरकार को मिला है। एम्स बीबी नगर से जुड़ी अलग अलग सुविधाओं के लिए भी आज काम शुरू हुए हैं। आज के ये प्रोजेक्ट तेलंगाना में ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तीनों को बढ़ाएंगे। हालांकि साथियों, केंद्र सरकार की इन कोशिशों के बीच मुझे एक बात के लिए बहुत पीड़ा है, बहुत दुख होता है, दर्द होता है। केंद्र के ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने के कारण हर प्रोजेक्ट में देरी हो रही है, विलंब हो रहा है। इससे नुकसान तेलंगाना के लोगों का, आप लोगों का हो रहा है। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि वो विकास से जुड़े कार्यों में कोई बाधा ना आने दे, विकास के कार्यों में तेजी लाए। भाइयों और बहनों, आज के नए भारत में देशवासियों की आशाएं, आकांक्षाएं, उनके सपने पूरे करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। हर प्रोजेक्ट में, हर इन्वेस्टमेंट में ये लोग अपने परिवार का स्वार्थ देखते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे से अलग नहीं है। जहां परिवारवाद और भाई भतीजावाद होता है, वहीं से हर प्रकार का करप्शन फलना फूलना शुरू हो जाता है। परिवारवाद,
वंशवाद का मूल मंत्र ही सब चीजों को कंट्रोल करना होता है। परिवारवादी हर व्यवस्था पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई उनके कंट्रोल को चैलेंज करे। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आज केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी व्यवस्था विकसित की है। आज किसानों को, विद्यार्थियों को, छोटे व्यापारियों को, छोटे कारोबारियों को आर्थिक मदद का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। हमने देश भर में डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था बढ़ाई है। आखिर ये पहले क्यों नहीं हो पाता था? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि परिवारवादी ताकतें व्यवस्था पर, सिस्टम पर अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे। किस लाभार्थी को क्या लाभ मिले, कितना मिले, इसका नियंत्रण ये परिवारवादी अपने पास रखना चाहते हैं। इससे इनके तीन मतलब सत्य थे। एक, इनके ही परिवार की जय जयकार होती रहे। दूसरा, करप्शन का पैसा इनके परिवार के पास ही आता रहे। और तीसरा, जो पैसे गरीब के लिए भेजे जाते हैं वो पैसे इनके भ्रष्ट इकोसिस्टम के अंदर बांटने के काम आ जाए। आज मोदी ने भ्रष्टाचार की इसलिए जड़ पर प्रहार कर दिया है। मुझे तेलंगाना के भाई बहन बताइए, आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितना ही बड़ा भ्रष्टाचारी हो, कानूनी कदम उठाने चाहिए कि नहीं उठाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कानून को काम करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए? और इसलिए ये लोग तिल मिलाए हुए हैं। बौखलाहट में कुछ भी किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले तो ऐसे कई राजनीतिक दल को अदालत में चले गए, कोर्ट के पास पहुंच गए थे कि हमें सुरक्षा दो, ये हमारे भ्रष्टाचार की किताबें कोई खोले नहीं। कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने वहां भी उनको झटका दे दिया और क्या वापस भेज दिया। भाई और बहनों, जब सबका साथ सबका विकास की भावना से काम होता है तो सच्चे अर्थों में लोकतंत्र मजबूत होता है। तब वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को वरीयता मिलती है। और यही तो बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था, यही तो संविधान की सच्ची भावना है। जब 2014 में केंद्र सरकार परिवार तंत्र की बेड़ियों से मुक्त हुई तो क्या परिणाम आया, ये पूरा देश देख रहा है। बीते 9 वर्षों में
देश की 11 करोड़ माताओं बहनों बेटियों को इज्जतघर टॉयलेट की सुविधा मिली है। इसमें तेलंगाना के भी 30 लाख से अधिक परिवारों की माताएं बहनों को भी ये व्यवस्था मिली है। बीते 9 वर्षों में देश में 9 करोड़ से अधिक बहनों बेटियों को उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। तेलंगाना के 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को भी इसका लाभ मिला है। साथियों, परिवार तंत्र तेलंगाना सहित देश के करोड़ों गरीब साथियों से उनका राशन भी लूट लेता था। हमारी सरकार में आज 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे तेलंगाना के भी लाखों गरीबों की भी बहुत मदद हुई है। हमारी सरकार की नीतियों की वजह से तेलंगाना के लाखों गरीब साथियों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है। तेलंगाना के 1 करोड़ परिवारों का पहली बार जनधन बैंक खाता खुला है। तेलंगाना के 2.5 लाख छोटे उद्यमियों को बिना गारंटी का मुद्रा ऋण मिला है। यहां 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को पहली बार बैंक लोन मिला है। तेलंगाना के 40 लाख से अधिक छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9000 करोड़ रुपए भी मिले। ये वो वंचित वर्ग है जिसको पहली बार वरीयता मिली है, प्राथमिकता मिली है। साथियों, जब देश तुष्टिकरण से निकलकर सबके संतुष्टिकरण की तरफ बढ़ता है, तब सच्चा सामाजिक न्याय जन्म लेता है। आज तेलंगाना सहित पूरा देश संतुष्टिकरण के रास्ते पर चलना चाहता है, सबका प्रयास से विकसित होना चाहता है। आज भी तेलंगाना को जो प्रोजेक्ट मिले हैं वो संतुष्टिकरण की भावना से प्रेरित है, सबका विकास के लिए समर्पित है। आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए तेलंगाना का तेज विकास बहुत जरूरी है। आने वाले 25 साल तेलंगाना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तेलंगाना के लोगों को तुष्टिकरण तथा भ्रष्टाचार में डूबी हाई हर ताकतों से, ऐसी हर ताकतों से दूर रहना ही तेलंगाना के भाग्य को निर्धारित करेगा। हमें एकजुट होकर तेलंगाना के विकास के सारे सपनों को पूरा करना है। इन सारे प्रोजेक्ट के लिए एक बार फिर तेलंगाना के मेरे प्यारे भाइयों बहनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये मेरे लिए अत्यंत संतोष की बात है, इतनी बड़ी तादाद में तेलंगाना के उज्जवल भविष्य के लिए, तेलंगाना के विकास के लिए
आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। दो दिनों के दक्षिण दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में संबोधित कर रहे थे। दो वंदे भारत ट्रेनों की आज शुरुआत की गई है और तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस सभा में उपस्थित हैं। उपस्थित जनसमूह का अभिवादन कर रहे हैं और साथ में जी किशन रेड्डी पर्यटन मंत्री भी इस वक्त तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। चेन्नई को यहाँ पर प्रोजेक्ट की शुरुआत दी है, ट्रेन की एक शुरुआत हुई है और हमला उन्होंने विपक्ष पर किया है कि विपक्षी दल कोर्ट चले गए थे, विपक्षी दल कोर्ट तक चले गए थे लेकिन कोर्ट ने भी उन्हें जो बात कही वो शायद उन्होंने सोची नहीं। परिवारवाद से आजादी मिलने के बाद देश विकास के कदम आगे बढ़ा रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तेलंगाना के 1 करोड़ परिवारों का जन धन अकाउंट खुला है। छोटे किसानों को 9,000 रुपए मिले। केंद्र के प्रोजेक्ट को राज्य से सहयोग नहीं मिल रहा। केसीआर पर हमला।